Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मशहूर अभिनेता इरफान खान, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्मों में अपनी भूमिकाओं से लाखों प्रशंसकों के दिल जीते, वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुंबई के कोकिला बेन हॉस्पिटल में इरफान ने बुधवार सुबह आखिरी सांस ली। इसके बाद वसोवा स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटे वहां मौजूद थे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से उनके परिवार के 20 लोग ही उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। इरफान खान को अंतिम विदाई देने के लिए कई सितारे आना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ज्यादा लोग नहीं जा पाए। बता दें कि इरफान के निधन की खबर सुनने के बाद इरफान के करीबी दोस्त और डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया हॉस्पिटल पहुंचे थे। तिग्मांशु और इरफान ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। बता दें कि इरफान खान के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम बाबिल खान और छोटे बेटे का नाम आयन खान है। लंदन में पढ़ाई कर रहा इरफान खान का बड़ा बेटा बाबिल खान कोरोना के डर से भारत वापस आ गया है। उनकी मां सुतापा उनके लिए काफी परेशान थी। गुरुवार को उनके वापस आने पर सुतापा ने राहत की सांस ली है।